पचास लाख का क्या करे? वेरी सिंपल, 40 लाख रुपए का फ्लैट और बचो 10 लाख की बैंक में एफडी। फिर क्या मेंटेनेंस का टेंशन ही नहीं, हो गए 50 लाख पूरे। जेठालाल भिड़े, क्या हुआ? अरे क्या हुआ क्या जेठालाल? अरे जेठालाल मुझे मेरे पैसे चाहिए, वरना अच्छा नहीं होगा बोल देता हूँ मैं। ए भाई एक मिनट, जेठालाल कौन है, कौन ये? अरे भाई ये 50 लाख का मालिक है। हाँ। कौन से 50 लाख? वही 50 लाख जिसमें से 40 लाख का तुमने फ्लैट ले लिया और 10 लाख एफडी में जमा कर दिया बैंक में। अरे वो तो मैं मोनोपोली की बात कर रहा था। अरे पैसे मेरे और मोनोपोली इसके। अरे भाई मोनोपोली मतलब वो जो गेम होता ना, व्यापार व्यापार, उसकी बात कर रहा था। एक मिनट, तुम लोग कौन से 50 लाख की बात कर रहे हो? अरे वही 50 लाख जो मैंने डिब्बे में डाल के जेठालाल को दिए थे। और वो डिब्बा मैंने संभालने के लिए दया को दिया था। और वो 50 लाख के डिब्बे को मैंने उड़द की दाल का डिब्बा समझकर भिड़े बैंक को दे दिया था। माधवी, माधवी लौकर, माधवी। अरे माधवी, देव अभी ने जो उड़द दाल का डब्बा दिया था उसमें उड़द की दाल नहीं थी, 50 लाख रुपए थे। जेठालाल वो सारे डिब्बे तो मैंने सोड़ी को दे दिए दाल पीसवाने के लिए। जेठालाल अभी ये सोड़ी कौन है? नहीं नहीं, वो घर का ही आदमी, आप चिंता मत करो। अरे लेकिन ये सोड़ी ने घर हाथ बंद करके ये चक्की कब से चालू कर दी? अरे भाई सोड़ी ने कोई चक्की शुरू नहीं की, वो तो कंपाउंड में से जीप लेके जा रहा था तो मैंने उसको कहा कि इन डब्बों को चक्की में डाल दे। अब 50 लाख रुपए के आटे का पापड़ कौन खाएगा? खाएगा कौन? खाएगा कौन? जेठालाल मेरे को आटा ये आटे तक आ जाएगा। नहीं नहीं, आप 2 मिनट रुको, 2 मिनट रुको। हाँ भाई 2 मिनट रुको प्लीज, यहाँ पे नहीं है। अरे भाई 2 मिनट रुको मतलब मैं सोटे का फोन लगाता हूँ। यहाँ पे नहीं का क्या मतलब है? सॉरी जेठा भरा की गल है, इस वेले फोन किया और मैं प्रोग्राम शोग्राम बनाना, पार्टी शादी करनी है। अरे भाई प्रोग्राम को मार गोली, ये बता ओ भिड़े ना तुमको जो डिब्बे दिए सब डिब्बे कहाँ है? अरे जेठा भरा मैं अभी गड्डी चला रहा हूँ, तो गड्डी चलाते हुए फोन पे बात नहीं कर सकता, बाद में बात करता हूँ। हेलो हेलो, क्या हुआ? सोड़ी पैसा लेके भाग गया? अरे नहीं, वो आज अचानक आरटीओ का लाडला बन गया। वो बोल रहा है गाड़ी चल रहा है, गाड़ी चलाते चलाते फोन पे बात नहीं करेगा। वाह, अभी सोसाइटी में आ रहा है तभी बात करेगा वो। चलो सोसाइटी में चलो। चल जेठालाल सोड़ी किधर है? अरे उसने अभी बोला ना कि मैं 2 मिनट में पहुंच रहा हूँ, वो इधर कंपाउंड में खड़ा नहीं था, बोला आ रहा हूँ तो बस अभी 2 मिनट में पहुंच रहा होगा वो। अरे क्या आ रहा है, आ रहा है जेठालाल? 50 लाख का मामला है, तुमको पता है 50 लाख कैसे होता है? न जाने कौन से मुहूर्त में मैं निकला मेरे घर से तुमको 50 लाख रुपया देने के लिए। सॉरी बॉय आ गया। आ जा भाई, चलो चलो चलो, कमाल है, आप सब लोग यहाँ पे एक साथ अपनी गोकुलधाम सोसाइटी में कोई फिल्म स्टार आने वाला है क्या? अरे सोनी भाई हम तो आपका इंतजार कर रहे हैं। ओ पल दिया भाभी जी, मैंने तो किसी फिल्म में काम ही नहीं किया। अरे सोटी भाई वो सब छोड़ना, मुझे ये बता तू सारे डब्बे चक्की पे पिसवा के आ रहा है? हाँ हाँ। ओ क्या बताऊं जेठा ब्रा, वो चक्की वाले की दुकान पे तो इतनी लंबी लाइन थी, वो चक्की वाले ने तो आटा पीसने से मना ही कर दिया। अरे पार्टी लूंगा तुमसे, भरा था देखो बच गया पैसे। वाह वाह, भगवान की बहुत बड़ी मेहरबानी है, पूरे गोकुलधाम को मैं पार्टी दे दूंगा, सबको बुलाओ आज। ओ यार पर ये तो बताओ पार्टी शार्टी किस खुशी में? तू ये डिब्बे चक्की पे पिसवा के नहीं लाया उसकी खुशी में? पर जेठा प्रा मैं तो सारे डिब्बे पिसवा के लाया हूँ। क्या सारे
डिब्बे पिसवा के लाया। गया जेठालाल मेरा पैसा गया, किसी को पार्टी नहीं मिलेगी। अरे क्या यार, सब पिसवा के लाया ये तो। अरे भाई छोटी, अभी तो तूने बोला कि वो चक्की वाला पिसने से इनकार कर रहा था। और जेठापुरा, मना तो किया था उस चक्की वाले ने, पर मैं रोशन सिंह थोड़ी भी कुछ काम थोड़ी ना हूँ। और मैंने उसको एक जबरदस्त ऑफर दिया। मैंने कहा 1 किलो पे दरगत 2 रुपए एक्स्ट्रा दूंगा। उसने सारे डब्बे वालों को साइड में किया और अपने डब्बे चकाचक पीस डाले। अरे जेठालाल, मैं लूट गया, बर्बाद हो गया, मेरे 50 लाख गए। मैं तुमको छोड़ोगे नहीं बोल देता हूँ। मुझे मेरे 50 लाख चाहिए, मैं बोल देता हूँ।